हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद के जीवन उद्यान से चुने गए कुछ सुगंधित पुष्पों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। बात है 25 मई सन 1972 की। अमेरिका के कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में न्यू द्वारका नाम से एक अत्यंत सुंदर और प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर बनाया गया है। श्रील प्रभुपाद प्रायः वहाँ जाया करते। वहाँ के प्रशासन के लिए अपने शिष्यों को स्वयं मार्गदर्शन दिया करते। ये घटना ऐसी ही एक उनकी मुलाकात के दौरान हुई थी। जैसे कि आप जानते हैं, श्रील प्रभुपाद चाहे किसी भी स्थान पर हो, लेकिन वे प्रतिदिन सुबह सैर करने जाया करते थे। आखिरकार आचार्य है ना, तो स्वास्थ्य की शिक्षा भी वे स्वयं अपने आचरण द्वारा ही तो देंगे। तो बस ऐसी ही एक सुबह की सैर के लिए प्रभुपाद अपने कुछ शिष्यों के साथ निकल पड़े बीच पर। उनके साथ थे कीर्तनानंद स्वामी, कुलाद्री, लगभग 17 वर्ष की आयु का एक अन्य लड़का और उनके सचिव श्रुतकीर्ति प्रभु। सैर करते हुए प्रभुपाद की ये छोटी सी सेना धीरे धीरे बीच के किनारे पर चल रही थी। पैरों से रेत फिसलती रही और समुद्र की लहरें प्रभुपाद के पद चिन्हों को नमन करती रही। प्रभुपाद के साथ उनका शिष्यवृंद भी आगे बढ़ रहा था। उतने में क्या हुआ कि उस 17 वर्ष की आयु वाले लड़के ने किनारे पर एक बड़ा सा केकड़ा देखा। अब 17 वर्ष की आयु यानी किशोरावस्था का उबलता हुआ खून और चंचल मन, तो बस ये लड़का उस केकड़े को देखने के लिए वहीं पर रुक गया। बड़े ही ध्यान से निरीक्षण करने लगा। उतने में श्रील प्रभुपाद और बाकी शिष्य वहां से आगे निकल गए। अब प्रभुपाद का तो पता ही है आप सबको, छोटे से छोटी चीज हो या बड़े से बड़ी, उनकी नजरों से कोई भी चीज छिप नहीं सकती। तो वो लड़का वहां खड़ा रहकर उस केकड़े को निहार रहा है, ये भी प्रभुपाद ने तुरंत देख लिया था। आगे चलते हुए प्रभुपाद ने अपने बाकी के शिष्यों को कहा, ये लड़का भौतिक चीजों से अत्यंत आसक्त है, उसकी ये एक गलती उसे भारी पड़ सकती है। हमारे सामने तो कई चीजें आएंगी, पहले छोटी और फिर बड़ी। इस प्रकार बात करते हुए प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ते गए। एक मिनट के अंदर वो लड़का भी भागता हुआ प्रभुपाद और उनके शिष्यों के साथ उस सैर में जुड़ गया। अब बाकी शिष्य सोच रहे थे कि अरे ये बेचारा छोटा सा लड़का सिर्फ एक केकड़ा देखने ही तो रुका था वहाँ, और वो भी सिर्फ एक मिनट के लिए। इस बात को लेकर प्रभुपाद ने ऐसा क्यों कहा कि वह भौतिक चीजों से आसक्त है, पता नहीं होगा कुछ, चलो देखते हैं। ये सोचकर बाकी शिष्य इस घटना को भूल गए। किसी ने उस लड़के को भी ये बात नहीं बताई। कुछ समय बीत गया। उसके बाद जब दोबारा ये सभी शिष्य न्यू द्वारका मंदिर आए तो उन्होंने वहाँ उस 17 साल के लड़के को नहीं देखा। बाद में जब उन्होंने छानबीन की तो पता चला कि वो केकड़े वाली घटना होने के 1 हफ्ते बाद ही वो लड़का मंदिर छोड़कर चला गया था और दोबारा कभी यहाँ नहीं दिखा था, जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने भविष्यवाणी की थी। ऐसे ही कुछ स्थिति हमारी भी है ना, जरा सोचिए। वो लड़का स्वयं श्रील प्रभुपाद के साथ था, उसे भगवान के शुद्ध भक्त का निजी संग प्राप्त हुआ था, फिर भी वह भौतिक माया की जाल में आसानी से फंस गया। और वर्तमान समय में तो हम 24 घंटे माया देवी के आश्रय में रहते हैं। श्रील प्रभुपाद का संग हमारे लिए उनके वाणी और पुस्तकों के रूप में उपलब्ध है, और वो भी जब उन्हें हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तभी। तो सोचिए हमें कितना अधिक सावधान रहना पड़ेगा माया देवी के प्रभाव से, और ये केवल तभी संभव है जब हम श्रील प्रभुपाद जैसे भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों के चरणों का आश्रय लें। तो चलिए जगत गुरु श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें उनके चरणों का आश्रय प्रदान करें और श्री कृष्ण भक्ति में अग्रसर होने का मार्ग प्रशस्त करें। यदि आप श्रील प्रभुपाद और वैष्णव आचार्यों की ऐसी ही जीवन चरित्र श्रृंखला का निरंतर आस्वादन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल गुरु पदाश्रय को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हरे कृष्णा। Shudahabe Shuniha Sabara Shoka Dukha Jai Guchibhe Nachau, Nachau, Nachau Prabhu Nachau Se Bhakti Vedanta Nam Ebe Sartha Kuro Bhakti Vedanta Nam
एवे सठा